श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को बता दें कि आज है हमारे पूज्य प्रिय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन। जी हाँ, और आज गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी के बारे में आप लोगों तक नहीं पता है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। जितना मुझे जानकारी मिली है मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में आज एक विशेष दिन भी है, आज है गंगा दशहरा। मात्र एक उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि जो गंगा माता होती है वो महादेव के मस्तक पर विराजमान है। जी हाँ, महादेव ने गंगा माता को अपने सर पर बिठा रखा है। तो आज गंगा दशहरा के दिन अगर हम माँ गंगा का स्मरण करते हुए विशेष उपाय करते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को पूरा करते ही करते। साथ में गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक कार्य करने को सबसे कहा है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप लोग मुझे उपहार देना चाहते हो तो यह विशेष कार्य अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी देव ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और गुरुजी को जन्मदिन की बधाई अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरुजी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सभी लोगों से, हमसे, मुझसे सबसे क्या उपहार मांगा है। तो गुरुजी ने कहा है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर अगर आप लोग मुझे जन्मदिन की बधाई देना चाहते हो, कुछ उपहार देना चाहते हो, तो आपको एक कार्य करना है कि अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो उस शिवालय पर पहुँच कर एक लोटा जल बाबा को समर्पित करना और एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना। तो हम सभी को गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुजी को उपहार देना चाह रहे हैं। तो गुरु से जाके मिल तो सकते नहीं हम, पर हम अपने घर के आसपास शिवालय जाकर यह विशेष उपाय कर सकते हैं जो गुरुजी के जीवन में रौनक रौनक भर देगा। हालांकि हम तो बाबा से अपने लिए हमेशा मांगते आ रहे हैं, पर जन्मदिन के अवसर पर गुरुजी के लिए भी हम बाबा से प्रार्थना अवश्य करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता तो बता दें कि पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का जन्म हुआ था वो 1980 में 16 जून को सीहोर में हुआ था। उनका जो एक नाम है वह रघुराम नाम भी उनका ही है। जी हाँ, उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रखी है और उनके पिताजी का नाम है पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा, जिनका अभी बीते 3 साल पहले हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। अब हम बात करते हैं कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी पहले क्या करते थे। तो पहले के समय में गुरुजी एक शिक्षक हुआ करते थे जिनने बच्चों को पढ़ाया भी है। और उसके दौरान गुरुजी पंडित जी ने कहा कि मैं खुद स्वयं साफ सफाई करते थे। सबसे पहले सीहोर में कथावाचक के रूप में मंच को उन्होंने संभाला था। अब हम जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के कितने बच्चे हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी यानी गुरुजी के 2 बेटे हैं। जी हाँ, अभी तक हमने केवल एक ही बेटे के दर्शन किए हैं जो कथा भी करने लग गए हैं, पर गुरुजी के 2 बेटे हैं, एक राघव और एक माधव। माधव बहुत ही कम कथाओं में आते हैं जो हमें दिखे हैं, बहुत कम लोगों को दिखे हैं, क्योंकि अधिकतर राघव जी जो है वो कथा में आते हैं और आजकल कथा का वाचन भी करने लग गए हैं। सबसे अधिक लोकप्रियता गुरुजी कब बढ़ी थी? सबसे अधिक लोकप्रियता गुरुजी की लॉकडाउन से बढ़ी थी। जी हाँ, जब 2019 और 20 में लॉकडाउन लगा था, कोविड आया था, उस समय लोग बहुत परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। उस समय से लोग बहुत ज़्यादा शिवपुराण कथा सुनने लग गए और गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों को करने लग गए, जिनसे उनका जीवन सुधरने लग गया, यानी उनका जो जीवन काल था वो अच्छे से निकलने लग गया। इसके चलते गुरुजी बहुत अधिक रोचकता बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कथा करने की कितनी फीस लेते हैं। तो गुरुजी के मुखारविंद से तो आज तक हमने नहीं सुना है कि गुरुजी कथा करने कुछ फीस भी लेते हैं, कि गुरुजी हर कथा में कहते हैं कि बस मैं इतना कहता हूँ कि जो लोग कथा सुनने आते हैं उनके बैठने की, उनके पंडाल में बैठने की और उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ, आपको बता दें इसी वर्ष गुरुजी को भयंकर सर में चोट लगी थी जिसके चलते गुरुजी कथा रुक गई थी। जी हाँ, पर आज तक पता नहीं चला गुरुजी को वो नारियल किसने फेंक के मारा था। जी हाँ, होली के दौरान गुरुजी को किसी ने नारियल फेंक के मारा था जिसके चलते गुरुजी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, जिसके चलते गुरुजी ने 1 महीने तक कथा नहीं की थी। अब हम बात करते हैं अभी जो राधा प्रसंग के बारे में गुरुजी विवाद में घेरे हुए हैं वो कितना सच कितना गलत है। तो गुरुजी ने अपनी व्यास पीठ से अभी तक तो बस यही कहा है कि मैंने अपनी व्यास पीठ से कभी भी कुछ झूठ नहीं कहा है, मैं हमेशा जो भी कहता हूँ वो ग्रंथ में लिखा रहता है, साहित्य में लिखा रहता है, वही हम पूरे प्रूफ के साथ बता भी सकते हैं। तो अभी तक तो गुरुजी ने यही बातें कही है कि, और आप भी जानते हैं कि गुरुजी कभी व्यासपीठ से कभी कुछ गलत नहीं कहते हैं, और कुछ उपाय बताते हैं गुरुजी तो वो उपाय ग्रंथ में लिखे रहते हैं।
और अब हम बात करते हैं 16 जून गंगा दशहरा के उपाय की। जी हाँ, आज है गंगा दशहरा और आप सभी को अपने जीवन काल में अगर बहुत ज़्यादा पाप कर रखे हैं या 10 पाप गुरुजी ने बताए थे, तो मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ कि यह जो उपाय करने से आपको 10 पापों से मुक्ति मिलेगी। साथ में आप जिस भी मनोकामना से उपाय करोगे मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, एक लोटे में जल लीजिएगा और उस पात्र में आपको मात्र एक बूंद गंगा जल डाल लेना है। जी हाँ, आपके यहाँ गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बॉटल पैक में मार्केट में मिल जाता है, आप लेकर आइए और केवल अपने एक लोटे जल के अंदर एक बूंद गंगा जल डालिए। इस जल को लेकर आपको जाना है शिवालय और शिवालय पहुँच कर आपको महादेव को 5 जगह पर समर्पित कर देना है। और 5 जगह समर्पित नहीं भी कर पाओ तो केवल शिवलिंग पूरा जल समर्पित कर दीजिए। गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति गंगा जल वाला जल महादेव को समर्पित करता है, महादेव प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को जल्दी पूरी करते हैं। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय जो आप गंगा दशहरा के दिन कर सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन में गुरु जी को जन्मदिन की बधाई अवश्य दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।